In today's class, we are going to proceed with the examiner of chapter 5. First exercise is exercise 5.1. देखो question number 1 क्या है आपका? Choose the correct answer from the given 4 options. Right? तो MCQ questions है. Question number 1 is in an AP. तो आपको given है कि ये AP है. If D क्या होता था? Common difference. तो आपको T की value given है -4. N क्या होता था? Number of terms. और AN क्या होती थी? Nth term. राइट तो आपको ये पूछा जा रहा है ए क्या होगा. ए क्या होता था? फर्स्ट टर्म. अब आपको फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी. यही होता था. इन प्लेस ऑफ ए एन वी विल पुट फोर. तो आपने यहाँ फोर रखा. ए आपको फाइंड करना है. वैल्यू ऑफ एन इज सेवन. तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ डी इज -4. ये क्लियर है? तो 4 इज इक्वल टू ए 7 माइनस 1 कितना होगा? 6. 6 माइनस 4 माइनस 24. तो यहां शिफ्ट होगा तो ए क्या हो जाएगा? 28. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इन एन एपी ए इज इक्वल टू 3.5. यहाँ आपको ए गिवन है 3.5. वैल्यू ऑफ टी इज 0. कॉमन डिफरेंस क्या है? 0. एन कितना है आपका? 101. आपको कहा जा रहा है ए एन फाइंड कर. अगेन ए एन इज इक्वल टू वॉट? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. डी जीरो है तो ये सारे जीरो हो जाएगा. तो बेसिकली ए एन जो होगा आपका वो ए के इक्वल ही होगा. दैट इज 3.5. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ये भी क्लियर है? ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ द नंबर आपको गिवन है -10 -6 -2 2. आपको कहा जा रहा है ये एपी है विद कॉमन डिफरेंस -16. अब चार ऑप्शन में कहा जा रहा है, तीन ऑप्शन तो है कि एपी है और फोर्थ ऑप्शन है नॉट एन एपी. तो पहले तो ये चेक करो एपी है भी नहीं. अगर मैं -6 -6 क्या होगा? +10. तो -6 + 10 करता हूं तो क्या आएगा? 4. -2 -- ये भी क्या होगा? प्लस. तो -2 + 6 करता हूं तो ये भी क्या आएगा? 4. और 2 + 2 ये भी क्या आ रहा है? 4. कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी तो है और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. तो ये क्लियर हो गया. ठीक है. प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह से रहेगी. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया था? ऑप्शन डी. सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? ऑप्शन डी. और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने जब निकाला तो आपने लिखा भाई गिवन एपी ये है. आपने कॉमन डिफरेंस निकाला पहले a2 - a1 फिर a3 - a2 फिर a4 - a3. तो आपने ये देखा कि कॉमन डिफरेंस जो सब में क्या आ रहा है? आपका सेम आ रहा है. तो आपने कहा ये एपी है विद डी इक्वल टू 4. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. आपको क्या कहा जा रहा है? 11 टर्म ऑफ दिस एपी. आपको इस एपी की, आप क्वेश्चन में कहा गया एपी है और आपको उसकी 11 टर्म फाइंड करना है. अब 11 टर्म का मतलब a11 फाइंड करना है. और a11 क्या होगा? a+10d. पहले बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है. तो बेसिकली देखो ये जो गिवन एपी है इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? ए. अब मुझे a11 फाइंड करना है ना. a11 क्या होगा? a+10d. तो मेरे पास a और d की वैल्यू होनी चाहिए. a की वैल्यू मिल गई आपको. अब आपको d फाइंड करना. अब क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा कि चेक करो. उसने कहा ap है तो d आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. कैसे किया? a2 - a1. भाई फर्स्ट टर्म क्या होगी? a1. सेकेंड टर्म क्या होगी? a2. तो जैसे आपने a2 - a1 किया, a2 है आपका -5/2. तो -5/2 फिर माइनस. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो 2 आपका एलसीएम आ जाएगा. ये हो जाएगा -5 + 10. दैट इज 5/2. तो ए आपका आ गया -5, डी आ गया आपका 5/2. तो आप डायरेक्टली आप 11 टर्म फाइंड कर सकते हो. तो ए 11 क्या होगा? a+10d. और ये कैसे आया आपको पता है? ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? a+n - 1 × d. तो जो टर्म हमें फाइंड करनी होती है उससे एक कम लिखा जाता है. अगर n की जगह आप 11 पुट करोगे तो 11 - 1 - 10d ही आएगा. a आपका आया था -5, d आपका है 5/2. 2 5 = 10. तो -5 + 25. तो ये आ गया 20. दैट इज ऑप्शन डी. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज -2. फर्स्ट टर्म क्या है? -2. तो मैं बोल सकता हूँ a आपको गिवन है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस -2. कॉमन डिफरेंस भी गिवन है. अब तो सिंपल हो गया. फर्स्ट टर्म क्या होगी? a. सेकंड टर्म क्या होगी? a+t. थर्ड टर्म क्या होगी?
ए कम ए प्लस टू डी, और ए फोर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, बस आपको ए और डी की वैल्यू पुट करनी। हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है भाई। आइडियली तो आप इसमें, अभी तो एमसीक्यू कर रहे हो तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। जब कॉमन डिफरेंस आपको पता कितना माइनस हुआ, तो आपने लिखा फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस टू, तो सेकंड टर्म क्या होगी, माइनस टू में माइनस टू ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस, ये माइनस फोर आ गया, फिर माइनस फोर में माइनस टू ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिक्स, फिर माइनस सिक्स में माइनस टू। पर आइडियली जब लिखा जाता है प्रेजेंटेशन में करोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आपको इस तरह से ही करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो देखो, ए आपका माइनस टू है, डी आपका गिवन है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे फर्स्ट टर्म ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ए आपका कितना है, माइनस टू, तो फर्स्ट टर्म माइनस टू हो गई, फिर ए प्लस डी, तो माइनस टू प्लस माइनस टू, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस टू एंड देन डी माइनस टू, ए प्लस थ्री डी दैट इज माइनस टू। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यूएशन करोगे तो देखो, जो फर्स्ट टर्म आएगी आपकी दैट इज माइनस टू, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, टू माइनस टू कितना होगा माइनस फोर, माइनस फोर माइनस टू कितना होगा माइनस सिक्स, और माइनस टू माइनस सिक्स ये होगा माइनस एट, तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट दैट इज ऑप्शन सी। आप देख सकते हो जो आपकी ऑप्शन सी है वो यही है, दैट इज माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट, राइट।